हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 15, जो कि मैंने हिंदी माध्यम में बनाई है। और आज हमारे यहां पे एशिया कॉन्टिनेंट है। देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट का हम भाग एक ला चुके हैं, भाग टू आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट में आज पार्ट बी है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 11th प्रश्न है, यहाँ पे यानी 11वां प्रश्न है। देखिए, इससे पहले मैं पार्ट ए में आपको पता होगा 1 से लेकर 10 तक प्रश्न करवा चुका हूं, यहाँ 11वां प्रश्न है आज हमारा। देखिए, पहला है, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे बताना है कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है। पहला है, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती है। देखिए, पहला वाला कथन जो है वो सरासर गलत हो जाएगा। देखिए, शीत ऋतु में एशिया का अधिकांश भाग जो है वो एकदम ड्राई रहता है, यानी शुष्क रहता है, और जबकि इसके कुछ भागों में यहाँ पे वर्षा होती है। और इस ऋतु में क्या है, मंगोलिया के ऊपर जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र भी बनता है एशिया में, जिसके कारण जो है भारी पवन जो कारण पवन जो होती है बाहर की ओर चलने लगती है, और स्थली पवन होने के कारण यह शुष्क होती है और एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं होती है। किंतु लेकिन जब ये पवनें समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं, जिसके फलस्वरूप एशिया के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो उस हिसाब से कहना ये गलत हो जाएगा कि एशिया में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, उसका रीजन मैंने बता दिया है क्यों होती है। सेकंड है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। ये बिल्कुल सही है कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप के में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और जब क्या तब क्या होता है, समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चल पड़ती हैं, और ये पवनें कैसी होती हैं, आर्द्रता युक्त होती हैं, यानी कि समुद्र की तरफ से जब स्थल की तरफ पवनें चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है उनमें नमी होगी, तो नमी के कारण फिर वर्षा होती है। तो यहाँ बी वाला कथन बिल्कुल सही है। सी है, बर्खोयास्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है। बर्खोयास्क जो पड़ता है वो रसिया का ही एक प्लेस है, यानी साइबेरिया के अंतर्गत आता है, साइबेरिया प्रांत के अंतर्गत आता है और रसिया में पड़ता है बर्खोयास्क। संसार का सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क की है। ठीक है, तो मैं मैप में भी दिखाऊंगा बर्खोयास्क को आपको। तो बी वाला कथन भी सही है। मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए, मासिनराम यानी कि मेघालय में पड़ता है मासिनराम, ये भी मैं दिखा दूंगा। यहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहां पर होती है, ये है मासिनराम। ठीक है, तो यहां पर मैं बर्खोयास्क आपको देखना है, मासिनराम देखना है। तो चलिए आज चलते हैं गूगल मैप पर। देखिए, ये रहा हमारा ग्लोब और आप देख रहे होंगे ऊपर, हमारे यहां पर ऊपर चलेंगे तो चाइना के ऊपर जो कजाकिस्तान, मंगोलिया, और इसके ऊपर आता है फिर रसिया। ठीक है, रसिया का जो उत्तर पूर्वी यानी ईस्ट साइबेरियन सी वाला हिस्सा है, यहाँ इस तरफ पड़ता है आपका, ये पड़ता है बर्खोयास्क। थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बर्खोयास्क वाला एरिया है, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे। मैं देखिए ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेट स्पीड स्लो है। ये यहाँ पे पड़ता है बर्खोयास्क। ठीक है, ये संसार का सबसे ठंडा स्थान है बर्खोयास्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले स्थान की, जो मैंने बताया था जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो पड़ता है आपका मेघालय, यानी कि हमारे भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य बोले जाते हैं, सेवन सिस्टर्स बोले जाते हैं, उनमें से एक राज्य है मेघालय, जो कि यहां पे पड़ता है बांग्लादेश के ऊपर, और ऊपर इसका बॉर्डर टच हो रहा है आसाम से, टच हो रहा है। ठीक है, इधर बांग्लादेश से और ऊपर टच हो रहा है आसाम से, बॉर्डर टच हो रहा है, ये मेघालय है। मेघालय को और जूम करूंगा तो देखिए, मेघालय के इस हिस्से में जो जयंतिया पहाड़ी वाला हिस्सा है, यानी इधर इधर से अगर गिने गारो खासी, बीच में खासी आती है, यहाँ जयंती आती है, ये स्थान पड़ता है मेघालय, यानी मासेराम पड़ता है, मासेराम चेरापूंजी मासेराम फॉरेस्ट जो है, यहाँ पर संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी पल पल पे यहाँ पर वर्षा होती रहती है मासेराम में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सी वनस्पतियां एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर से कौन सी वनस्पतियां जो हैं वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ पे पहला है टुंड्रा वनस्पति। देखिए, टुंड्रा वनस्पति के बारे में हम जान लेते हैं। टुंड्रा वनस्पति जो है वो एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई पेटी है, और इस वन प्रदेश की जो अधिकांश भूमि है वह मतलब मोस्टली टाइम मतलब पूरे साल भर भीम से ढकी रहती है, यानी बर्फ से ढकी रहती है। तो बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ पर जो है शीत ऋतु बहुत ज्यादा लंबी होती है, और शीत ऋतु बहुत ज्यादा लंबी और बहुत ठंडी होती है, और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है 30 सेंटीमीटर तक होती है, और यहाँ ज्यादा वनस्पतियां लंबी नहीं होती हैं। यहाँ का प्रमुख पशु जो है वो है रेनडियर, ये भी आपके कहाँ पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, जो उत्तर वाला हिस्सा है, यानी कि जहां मैंने साइबेरिया दिखाया था आपको, वो वहां पर टुंड्रा वनस्पति वहां पर पाई जाती है। ठीक है, और इसमें काई या लाइकेन जैसे वृक्ष उग आते हैं, काइयां मतलब उगती हैं इसमें।
उसके बाद बात करते हैं टेंगा वनस्पति। देखिए टेंगा वनस्पति जो है वो उत्तर टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में उगती है। यहाँ पे मान लो ये ऊपर टुंड्रा हो गया, टेंगा हो गया, टुंड्रा हो गया, तो टुंड्रा इसके नीचे उगेगी, यानी यहाँ पे ऊपर टुंड्रा है, बर्फीला है, तो टेंगा यहाँ उगेगी। तो टेंगा वनस्पति में क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा जो पेड़ आप देखते होंगे एकदम शंकुआकार जो पेड़ जो होते हैं वो यहीं टेंगा में ही पाए जाते हैं। इस तरह के जो पेड़ होते हैं शंकुआकार, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं जिससे कि बर्फ नीचे आके रुके, तो वो आपको टेंगा में ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर कम बाष्पीकरण होने के कारण वृक्षों को उगने और बढ़ने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। और यहाँ शीत ऋतु यहाँ पर भी अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं मुलायम होती हैं और जिससे कि इमारती लकड़ी, कागज़ की लुगदी और रेयान आदि इन लकड़ियों से बनाया जाता है। तो टेंगा भी यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं मरुस्थली वनस्पति। देखिए मरुस्थल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ मरुस्थल भी है एशिया में, चाहे तो आप अपना थार डेजर्ट देख लें राजस्थान वाला या कोई और देख लें। ठीक है, तो ये मरुस्थल भी हमारे एशिया में महाद्वीप में पाया जाता है। तो तीसरा वाला कथन भी सही है। स्टेपीज घास के मैदान, देखिए मैंने आपको बताया था स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जो आपका रसिया का पश्चिमी वाला हिस्सा है वहां पर स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये चारों ही जो हैं वनस्पतियां वो हमारे एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। तो यह आंसर होगा डी, यानी 1, 2, 3 और 4। और चलिए थोड़ा मैप में दिखा देते हैं टुंड्रा, टैगा, मरुस्थली वनस्पति और स्टेपीज के बारे में। देखिए अब हम ये ग्लोब देख रहे हैं हम अपना। देखिए ग्लोब में अगर बात कर लें तो बिल्कुल उत्तरी छोर पर, यानी कि ये साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर टुंड्रा पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे पूरा बर्फ सा जमा है, यानी कि बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, कोई वनस्पति नहीं है, ये पूरा टुंड्रा वाला इलाका है। इसके थोड़े नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाई जाती है टैगा, यहाँ पे जो कि मैंने आपने बताया था शंकुधारी या कोणधारी वन यहीं पर पाए जाते हैं जिनसे मुलायम इमारती लकड़ी मिलती है हमें। ठीक है, तो ये सब जो है टुंड्रा, टुंड्रा के बाद आता है टैगा। देखिए क्रम ये लगाने में के लिए आता है, काफी बार क्रम लगाने के लिए आता है कि टुंड्रा पहले आता है, टैगा पहले आता है। टुंड्रा में आप एक चीज याद रख लीजिए, टुंड्रा में पूरा बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा में वनस्पति नाम की चीज नहीं होती है, केवल काई और लाइकेन उगते हैं बहुत, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। ठीक है, और टैगा में जो है शंकुधारी वन टैगा में पाए जाते हैं। अब इसमें एक आया था कि एशिया में क्या वो डेजर्ट पाए जाते हैं, जी हाँ एशिया में डेजर्ट भी मरुस्थल भी हैं। एक तो आपका यही वाला मरुस्थल देख लो जो कि थार डेजर्ट बोला जाता है, थार का मरुस्थल जो कि आपके जैसलमेर वगैरह में पड़ता है, थार डेजर्ट, तो ये भी आपके यहीं पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। इसके अलावा ऊपर जो आपका जो पामीर का पठार है, पामीर के पठार के नियर बाई चाइना में भी यहाँ पे मरुस्थल है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा था वर्ड स्टेपीज, यानी स्टेपीज घास के मैदान। अगर हम मैंने बताया था स्टेपीज घास के मैदान जो हैं वो रसिया के पश्चिम में पड़ते हैं, यानी रसिया जो रहा इधर ये वाला हिस्सा हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण, इधर वाला होगा पश्चिम। तो ये जो मैदान है स्टेपीज घास के ये पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी शीत घास के मैदान स्टेपीज ये यहाँ पे पड़ते हैं, आप देख रहे होंगे फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन इनके बगल में ये पड़ते हैं, ये वाला इलाका जो है यहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान वाला इलाका है। तो यानी कि चारों के चारों प्रदेश मैंने आपको दिखा दिए हैं कि टुंड्रा कहाँ पड़ रहा है, टैगा कहाँ पड़ रहा है और वनस्थल और स्टेपीज घास के मैदान। तो अब आप कह सकते हैं चारों के चारों स्थान जो है यहीं एशिया महाद्वीप में बिलोंग करते हैं। 13वां प्रश्न है हमारा, एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए, यानी कि एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर यहाँ बात करनी है। यहाँ पर बताना है कौन सा उष्ण मरुस्थल है। देखिए उष्ण मरुस्थल का मतलब क्या होता है, गर्म मरुस्थल। देखिए मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक तो उष्ण मरुस्थल और दूसरे होते हैं शीत मरुस्थल। भारत में दोनों तरह के मरुस्थल हैं, उष्ण मरुस्थल भी है और शीत मरुस्थल भी है। उष्ण मरुस्थल का उदाहरण जो है हमारे भारत में वो है आपका थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, और शीत यानी कोल्ड डेजर्ट का उदाहरण जो है वो लेह और लद्दाख वाला रीजन जो है वो शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है कौन से जो है एशिया महाद्वीप में मरुस्थल जो है वो उष्ण मरुस्थल हैं और कौन से जो है शीत मरुस्थल हैं। देखिए अरब का मरुस्थल जो है यहां पर वो एक अरब का जो डेजर्ट जो है वो एक उष्ण मरुस्थल है, हीट वाला स्थान है। तिब्बत का मरुस्थल जो है वो एक कोल्ड वाला एरिया, कोल्ड मरुस्थल है, यानी कोल्ड डेजर्ट है। गोबी का मरुस्थल भी कोल्ड डेजर्ट है। थार का मरुस्थल जो है वो जो है उष्ण डेजर्ट है। ठीक है, यानी उष्ण मरुस्थल है। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 और 4, यानी केवल 1 और 4 जो है वो उष्ण मरुस्थल है और बाद बाकी तिब्बत का मरुस्थल और गोबी का मरुस्थल जो है वो शीत मरुस्थल है। जो चलिए मैप में मैं दिखा दे रहा हूँ चारों के चारों और जो डेजर्ट पड़ रहे हैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको मैप में। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अरब डेजर्ट से। देखिए ये जो रीजन है, यानी कि अगर हम अपने एशिया के जो दक्षिण पश्चिम एशिया वाले हिस्से में बढ़े हैं, यानी कि दक्षिण इधर हो गया नीचे का हिस्सा, पश्चिम की तरफ इधर बढ़ रहे हैं, तो ये आप पाएंगे
जो आपका सीरिया है, इराक है और आपका इजिप्ट है, सॉरी इजिप्ट नहीं, इजिप्ट तो उसमें आ जाता है, साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यमन है, सऊदी अरबिया है, ओमान है, ईरान है, ये सब जो है ये डेजर्ट वाले पार्ट हैं और ये उष्ण यानी कि हीट वाले मरुस्थल हैं, यानी कि गर्म मरुस्थल हैं ये सभी, ठीक है। और आपका फिर हम बात कर लें थार मरुस्थल, थार मरुस्थल जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है थार डेजर्ट यहाँ पर, ठीक है, यानी इस रीजन में पड़ता है थार वाला मरुस्थल, कुछ जिसका कुछ हिस्सा राजस्थान में आता है, फिर बाद बाकी जो हिस्सा है वो आपके पाकिस्तान में भी आता है, यानी कि जरूर ये केवल बॉर्डर यहाँ पर खिंचा हुआ है ये वाला, और ये दोनों तरफ आता है, यानी पाकिस्तान में भी आता है और आपके भारत में भी पड़ता है। थार केवल और केवल थार हमारे यहीं खत्म नहीं हो गया है, इसका विस्तार पाकिस्तान तक हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं पूरा, ये पाकिस्तान तक हुआ है। अब बात कर लेते हैं शीत मरुस्थलों की, देखिए ठंडे मरुस्थल यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा, ये गोभी का मरुस्थल ये पड़ता है, और नीचे आप देख रहे होंगे नेपाल के ऊपर ये तिब्बत का मरुस्थल है, ये भी ठंडे हैं, यानी गोभी का भी और तिब्बत का भी, ये दोनों ही ठंडे हैं, ठीक है। 14 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भाग, यानी कि मैंने आपको बताया था दक्षिण में कौन आता है, हमारा भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है, ये जो कंट्री हैं वो दक्षिण वाले देश हैं। दक्षिण पूर्व में कौन कौन सा आता है, म्यांमार आता है, इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है, फिलीपींस आता है, ठीक है, और भी जो कंट्री हैं उनके नाम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहे हैं, लाओस आता है, ठीक है, तमाम कंबोडिया है, तमाम कंट्री हैं, मतलब 11-12 कंट्री हैं वहाँ पर, तो ये जो हैं यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण दक्षिण पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं आद्र, ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो गर्म और आद्र होती है और शीत ऋतु जो होती है वो मृदुल और शुष्क होती है और अधिकतर वर्षा यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, यानी कि एशिया के दक्षिण वाले हिस्से में और दक्षिण पूर्व वाले जो कंट्री हैं इनमें अधिकतर वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे वर्षा 62 सेंटीमीटर से लेके 1250 सेंटीमीटर के बीच तक होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सागौन, साल एवं चंदन यहाँ के मानसूनी वन के वृक्ष हैं, यानी कि यहाँ पर मानसूनी वन के अंतर्गत जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सागौन, साल और चंदन के हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाथी इनका विशिष्ट पशु है, यानी कि इन जंगलों का हाथी यहाँ पर विशिष्ट पशु माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों। और देखिए मानसूनी वन होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये मानसूनी वन होने का रीजन ये है कि ये विषुवत रेखा के पास पड़ता है, ये वाला हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो है विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पे साल भर वर्षा अच्छी खासी होती है और सूर्य की किरणें भी मतलब सीधी ही पड़ती हैं लगभग, तो जिस वजह से यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी होती है और मानसूनी वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो चलिए मैप में मैं एक बार दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए मैंने बताया भी था ये आपकी इक्वेटर लाइन जा रही है, ये इक्वेटर लाइन है, और आपको पिछली वाली वीडियो में भी क्वेश्चन बताया था कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या एशिया महाद्वीप का विस्तार केवल दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो देखिए एशिया महाद्वीप का उत्तरी गोलार्ध में भी विस्तार है और दक्षिणी गोलार्ध में भी विस्तार है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे इसके कुछ जो कंट्री हैं उनमें से विषुवत रेखा होकर गुजर रही है, आप देख रहे हैं इंडोनेशिया है, फिलीपींस है और ये मलेशिया है, ये जो इन कंट्री हैं यानी कि इंडोनेशिया है, इधर फिलीपींस वगैरह से फिलीपींस ऊपर पड़ता है, यानी कि इंडोनेशिया के अलावा और जो हैं उनमें से आपकी जो है आपकी विषुवत रेखा यहाँ से होकर गुजर रही है। और आप ये पाएंगे कि यहाँ पर एशिया के दक्षिण वाले देश यानी कि दक्षिण वाले देश भी जो हैं वो विषुवत रेखा के निकट हैं और दक्षिण पूर्व वाले भी विषुवत रेखा के निकट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, क्योंकि साल पर वर्षा होती है तो वर्षा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। और कर्क रेखा आपको पता होगा कि भारत में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है। अब ये 8 राज्यों के नाम चलिए मैं ही बता दूँ या आप बताओगे, तो आप बताइए कमेंट में मुझे, ठीक है, वैसे मैं मैप से बता दूंगा यहाँ हाल, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइए कर्क रेखा हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, उन 8 के 8 राज्यों के आपको नाम लिख के बताने हैं। और साथ में ये भी बताइए क्या कर्क रेखा यूपी से गुजरती है, क्या यूपी आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट में बताना है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे बताइए कौन से कथन सही है। पहला है, एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का वितरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा असमान है और इस महाद्वीप की
जो है अधिकांश जनसंख्या लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। लेकिन यहाँ पर केवल जापान एक एकमात्र ऐसा देश है, मतलब एशिया महाद्वीप का एक केवल एकमात्र जापान एक ऐसा देश है जहां की 75% जनसंख्या जो है वो शहरी है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एशिया महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जिसकी 75% जनसंख्या या किस या फिर सर्वाधिक जनसंख्या शहरी है, वो है आपका एकमात्र देश जापान। बाद बाकी सब कंट्री उठा के देखेंगे तो उनकी सभी मोस्टली जनसंख्या है वो ग्रामीण में गांव में रहती है, यानी रूरल एरिया में रहती है। चाहे भारत हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, मोस्टली जनसंख्या जो है वो ग्राम मतलब गांव से में रहती है। जबकि केवल केवल और केवल जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गांव से ज्यादा शहरों में जनसंख्या रहती है, वो भी शहरों में कितना है 75%, गांव में कितना रह गई वहां 25%। ठीक है, तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है, ये मैंने बता दिया। कितनी परसेंट नगरीय है? 75% जनसंख्या नगरीय है। तो देखिए ये बात याद रखिए, जापान वाला अगर कहीं से पूछ लिया जाए तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। और चलिए जापान को एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, तो चलिए जापान में चलते हैं। देखिए ये पूर्व में पड़ता है आपका जापान, ये रहा आपका जापान जो कि आपके चार आइलैंड पे बसा हुआ है, जिसमें अगर मैं उत्तर से दक्षिण की ओर बताऊं तो पहले पड़ता है होकाइडो, फिर उसके बाद आता है होनसू, फिर आता है सीकोकू और फिर आता है क्यूशू। यानी होकाइडो, होनसू, सीकोकू और क्यूशू, ये चार जो है द्वीपों पे बसा हुआ देश है जापान। और जापान की अधिकतर जनसंख्या जो है वो आपकी कहां पर निवास करती है, वो निवास करती है कहां पर, शहरों में। यानी 75% जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। और देखिए देख लेते हैं थोड़ा इसके इसके मतलब अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम में सी ऑफ जापान है, ऊपर सी ऑफ ओहोटस्क है, जो ओकोटस्क है, सी ऑफ ओकोटस्क है ये ऊपर इसके। ठीक है, और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ कंट्री जो है इसके नियर बाई जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कंट्री आपके नियर बाई है जापान के। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये सब कंट्री। और ये इधर इसके नीचे जो है एक कंट्री पड़ रहा है ताइवान, ये इसके नीचे पड़ रहा है ताइवान, ये कंट्री इसकी राजधानी है ताइपे। और जापान की राजधानी आपको पता ही होगा, जापान की राजधानी है टोक्यो। सोलहवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पद्धतियां एशिया महाद्वीप में प्रचलित हैं। देखिए एशिया महाद्वीप में कृषि की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं, तो आपको बताना है इसमें। पहला है स्थानांतरी कृषि पद्धति। देखिए स्थानांतरी कृषि पद्धति जो है इसे झूम खेती भी कहते हैं, और यह कृषि की सबसे प्राचीन पद्धति है। और इस प्रकार की पद्धति में क्या होता है कि कृषि के वनों के एक भाग को आग लगाकर साफ कर दिया जाता है, फिर वहां पर कुछ दिनों तक खेती की जाती है जब तक वो भूमि उपजाऊ रहती है। और जब जैसे ही वो अनुर्वर भूमि हो जाती है, यानी कि अनुपजाऊ हो जाती है, वैसे उस भूमि को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ऐसी खेती को स्थानांतरी कृषि अथवा झूम खेती भी कहा जाता है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी स्थानांतरी कृषि भी आपके एशिया में होती है और हमारे भारत में यह होती है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। ठीक है, सेकंड आते हैं सघन कृषि। सघन कृषि क्या होती है कि एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें इस प्रकार की खेती में जो जन घनत्व जो है वो अधिक होता है, और इसलिए इनके खेतों का आकार जो है वो छोटा होता है। और इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन होता अधिक होता है। जैसे आप देखते होंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इन सब जगह, यानी कि जो मोस्टली राज्य है हमारे, मध्य प्रदेश वगैरह, यहाँ पर सघन कृषि होती है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी छोटे छोटे खेत हैं लोगों के, आप अपनी नियर बाई भी देख सकते हैं, इनके पास छोटे छोटे खेत हैं जिनपे वो लोग फसलें वगैरह उगा रहे हैं, और जिसके मदद से वो ज्यादा से ज्यादा मतलब एक साल में 3 या 4 फसल कर पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो इस सघन कृषि के अंतर्गत आता है, ये भी हमारे एशिया महाद्वीप में प्रचलित है। दूसरा वाला कथन भी यहाँ पे सही है। तीसरा है विस्तृत कृषि। देखिए इस प्रकार की जो कृषि होती है, यहाँ पर खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और जिस पर मानव जो है वो श्रम से काम नहीं कर सकता, वहां पर मशीनों से काम होता है। तो ऐसी खेती को विस्तृत कृषि पद्धति कहते हैं। देखिए ये वाली भी खेती यहाँ पर जो हो रही है अपने भारत में हो रही है, और खासकर के पंजाब में आपको देखने को मिलेगी, पंजाब प्रांत में भारत के देखने को मिलेगी, जहां पर इंसान तो है ही है, वहां पर मशीनें भी एक से एक उन्नत मशीनें तैयार की गई हैं जो कि बहुत बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़े हेक्टेयर फसलों के उत्पादन में बहुत ही ज्यादा सहयोग कर रही हैं, और उन्हें काटने से लेकर उन्हें चुनने, बुनने या बोने तक हर काम मशीनों के द्वारा हो रहा है। वहां पे बस जो मानव है वो देख रेख कर रहे हैं उनकी, वहां बस आप देख सकते हैं, पंजाब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके लिए। ठीक है, तो तीनों ही प्रकार की जो कृषि पद्धतियां हैं एशिया की हैं, तो और ये तीनों ही कथन सही हैं, तो यह आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। 17वां है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है।
एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें हैं और उपयुक्त जलवायु यानी कौन सी फसल कौन सी जलवायु में उगती है। पहली बात करते हैं चावल। देखिए चावल जो है, चावल आप देखते होंगे ये जो है खरीफ की फसल है। चावल यानी कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, खरीफ की फसल है चावल जो है आपकी। और इसके लिए चाहिए होती है आपको उष्ण और आर्द्र जलवायु। यानी कि उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म, यानी कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, गर्मी होती है, ठीक है, और मौसम कैसा होता है, आर्द्र। तो चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। देखिए गेहूं कैसी फसल है, गेहूं आपकी जो फसल है वो शीत ऋतु की फसल है यानी रबी की फसल है, और गेहूं के लिए जो चाहिए होती है वो उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु। यानी कि उपोष्ण मतलब क्या होता है, जो 30 से 60 अंश के बीच में जलवायु पाई जाती है उसे उपोष्ण जलवायु कहते हैं, ठंडी एकदम। और शीतोष्ण का मतलब आप जानेंगे एकदम खूब कोहरा वगैरह पड़ने वाली जलवायु। तो उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु में उगता है गेहूं, ठीक है। कपास, कपास की अगर हम बात कर लें तो कपास एक शुष्क जलवायु में उगने वाला पौधा है, ठीक है, कपास शुष्क जलवायु में। और ज्वार जो है वो अर्ध शुष्क जलवायु में, यानी कपास और ज्वार दोनों अर्ध शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे हैं। और देखिए अब बात कर लेते हैं चाय की। यहाँ पे चाय का ऑप्शन नहीं दिया लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, चाय जो है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे जल निकास वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी कि उष्ण जलवायु होनी चाहिए, उसके अलावा आर्द्र भी होनी चाहिए, यानी कि वहां पर गर्मी भी होनी चाहिए प्लस वहां के मौसम में आर्द्रता भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पानी पड़ रहा है यानी कि जो पानी और बरसात हो वो पानी चाय की जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, यानी चाय के पौधों की जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, वो तुरंत निकल जाना चाहिए। तो इस तरह की जो है यानी खेती, यानी चाय की खेती वो केवल पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 1, 3, 4, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। 18वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताइए कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर बताना है कौन से वन जो हैं वो एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। देखिए मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो होते हैं ये इनमें मुलायम लकड़ी पाई जाती है और इनका उपयोग इमारत, कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है। और ये वन जो हैं रूस, जापान और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है मानसूनी वन। देखिए मानसूनी वन तो अभी मैंने आपको दिखाई थे जस्ट अभी कि दक्षिण जो एशिया का दक्षिण हिस्सा है या दक्षिण पूर्वी जो देश पड़ते हैं उनमें मानसूनी वन पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है, एक तो कर्क रेखा होकर गुजर रही है, सेकंड जो है उसके नीचे से आपकी विषुवत रेखा होकर गुजर रही है, तो विषुवत रेखा होने के कारण यहाँ पे साल भर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो ये सेकंड वाला भी कथन बिल्कुल सही है। थर्ड है विषुवती वन। देखिए मैंने बताया था विषुवती वन यानी कि आपके जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में एक जो कंट्री पड़ रहा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से विषुवत रेखा होकर गुजर रही है, उस वजह से वहां पे इंडोनेशिया में विषुवती वन भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, तो यह आंसर है डी यानी 1, 2 और 3। तो चलिए एक बार विषुवती वन वाला देख लेते हैं। देखिए ये आपकी विषुवत रेखा गुजर रही है इंडोनेशिया से होकर, ठीक है, तो आप देखिए ज्यादा जूम कर रहा हूं तो विषुवत रेखा चली जा रही है, यहीं से आप समझ लीजिए ये आपका इंडोनेशिया रहा, ये एक यहाँ से गुजर रही है आपकी विषुवत रेखा। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं यानी कि इसके इधर उधर, इसके नियर बाई वो सब विषुवती वन हैं, ठीक है। देखिए इंडोनेशिया के नीचे देख ले रहे हैं, यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर जो इसका इसके बीच में पड़ रहा है ये पड़ता है इंडोनेशिया के नीचे जावासी, जावा समुद्र पड़ता है, ठीक है। ये पूछा भी गया है जावासी कहाँ पड़ता है, ये इंडोनेशिया के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से पाकिस्तान में अवस्थित है। पहला है किरथर पर्वत श्रेणी, पोटवार का पठार, बुलंद दर्रा। देखिए जो बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का, यहां पर पोटवार का पठार है, किरथर है और सुलेमान एवं हिंदकुश की पर्वत श्रेणियां हैं, खैबर और बुलंद दर्रा ये सब पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा जो है वो हिंदकुश पर्वत श्रेणी में तथा बुलंद दर्रा जो है वो किरथर पर्वत श्रेणी में है। यानी खैबर दर्रा कहां पड़ता है, खैबर दर्रा पड़ता है आपके हिंदकुश में और बुलंद दर्रा जो पड़ता है पाकिस्तान की किरथर पर्वत श्रेणी में पड़ता है। देखिए पोटवार का चित्र जो है यहाँ पर जो है सामान्यतः वो एक ड्राई प्लेस है और यहाँ पर बहुत ही कम नदियां हैं पोटवार के पठार में, ठीक है। तो चारों तीनों के तीनों ही स्थान जो है वो पाकिस्तान में पड़ रहे हैं। तो चलिए एक बार मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ पाकिस्तान के बारे में। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहाँ पर बलूचिस्तान जो एरिया है यहाँ पे पड़ता है, किरथर माउंटेन यहाँ पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर किरथर माउंटेन यानी किरथर का पहाड़ यहाँ पे पड़ता है, किरथर की पहाड़ी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर किरथर की पर्वत श्रेणी में एक दर्रा पड़ता है जिसे कहते हैं बुलंद दर्रा। यानी कि पूछा गया है काफी बार कि बुलंद दर्रा किस में पड़ता है,
पाकिस्तान में। बोलन दर्रा जो है वो पाकिस्तान के किरथर पर्वत श्रेणी में पड़ता है, और जो आपका जो खैबर दर्रा है वो खैबर दर्रा आपके यहाँ पड़ता है, यानी हिंदुकुश पर्वतमाला जो पर्वत श्रेणी जो आ रही है आपकी हिमालय वाली, यहाँ पर आके मुड़ गई है ये वाली, खैबर दर्रा आपके यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, खैबर दर्रा यहाँ पे पड़ता है। और आपका जो पोर्ट बार का जो पठार है, पोर्ट बार का पठार वो आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही, यानी कि इसके आसपास एरिया का पठार यही है, बोला जो है इसे बोला जाता है पोर्ट बार का पठार। ठीक है, 20वां प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में विचार कीजिए। सहायक नदियां सिंधु नदी की कौन कौन सी हैं ये बताइए। देखिए पहला है चिनाब, रावी, सतलज, काबुल। देखिए चिनाब, रावी, सतलज नदियां ये पाकिस्तान में जो है पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं, जबकि काबुल नदी जो है वो पश्चिम से आकर मिलती है। यहां पर ये पूछा गया है कि कौन सी नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर मिलती हैं। देखिए चिनाब, रावी, सतलज ये सभी सिंधु नदियां पूर्व से आकर मिलती हैं, केवल काबुल नदी जो है वो पश्चिम से आकर जो है इसमें मिलती है, यानी कि सिंधु नदी में। तो यहां पे आंसर होगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। देखिए इसके अलावा मैं आपके लिए आज मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि आपके लिए जो एनसीईआरटी साइंस मैंने 10th तक की कवर करवाई है, 11th 12th की कवर नहीं करवाई है। मैंने दो दिन से उस पर रिसर्च मेरी चल रही थी। 11th 12th की जो आपकी बायोलॉजी है, बायोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैं जो कंटेंट अब तैयार कर रहा हूँ वो आपका बायोलॉजी का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और आई होप एशिया कंटेंट खत्म होने के बाद हम सबसे पहले एनसीईआरटी साइंस के जो बायोलॉजी वाला पोर्शन रह गया है 11th 12th का, लगभग उसके अंतर्गत 10 या 15 वीडियो से अब आएंगी, तो वो आपका करवा के वो वहां पर हम मैं आपकी अभी साइंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 12th तक की। देखिए इतना उसमें 11th 12th में केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का रोल नहीं है जितना बायोलॉजी का है। बायोलॉजी से बहुत सारे रसायन, केमिकल कंपाउंड, रसायन, इसके अलावा जीवों के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो बायोलॉजी से आपको आती हैं एग्जाम में, और मैंने देखा है काफी सारे क्वेश्चन उसमें मुझे मिले जो कि बायोलॉजी से ही थे। इतना उसमें आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स का रोल नहीं है, यानी कि एग्जाम्स वगैरह में बायोलॉजी का रोल ज्यादा है। इसकी वजह से मैं एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है वो आप तक लेके आऊंगा, और आई होप 4 या 5 दिन में ये वीडियो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट वाले खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम एनसीईआरटी साइंस जो है 11th क्लास की वो स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।